आप सब तो जानते होंगे हमारा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, लेकिन एक और नई मुसीबत आ गई है जिसका नाम है प्लाई फंगस, जो एक नई महामारी का रूप ले रहा है। प्लाई फंगस इसका कॉमन नेम है, इसका असली नाम है म्यूकर माइकोसिस, जो म्यूकर माइकोसिस नामक फंगस से होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ मौजूद है, मिट्टी में, पत्तों में, हवा में। ये मिट्टी में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। प्लाई फंगस कोरोना से रिकवर हुए पेशेंट को अपनी चपेट में ले रहा है, पर ऐसा क्यों? कोरोना पेशेंट को डॉक्टर स्टेरॉयड देते हैं, जो लंग डैमेज होने से और इन्फ्लेमेशन से बचाता है, पर स्टेरॉयड ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है और इम्यूनिटी घटा देता है, और इसी वजह से ब्लैक फंगस आसानी से कोरोना रिकवर्ड पेशेंट पर हावी हो जा रहा है। जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनका भी ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई होता है, और इसी वजह से ब्लैक फंगस के 70% तक के केस में ये पाया गया है कि उन पेशेंट को डायबिटीज़ था। जिन्हें पहले से हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर बड़ी ऑपरेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उन्हें भी ब्लैक फंगस का खतरा रहता है। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर कोरोना पेशेंट को ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ले लेता है। इसके सिम्टम्स बहुत साधारण से हैं, जैसे काला रंग का नाक बहना, गालों में दर्द, दांत में दर्द, दांत गिरना, धुंधला दिखना, डबल विजन, सीने में दर्द। इनमें से कोई भी एक सिम्टम दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। घरेलू नुस्खे बिल्कुल ना अपनाएं। अगर आप कोई गार्डनिंग का काम करते हैं तो ग्लव पहन कर करें, फुल स्लीव शर्ट पहने, फुल पैंट पहने, मास्क भी लगाएं। इस ब्लैक फंगस को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, ये नाक, कान, दिमाग को डैमेज कर सकता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।